गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मयंक प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लेसन प्लान पर चर्चा करेंगे, जिसमें डेट, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, प्रकरण आज का टॉपिक हमारा रक्त, क्लास, वर्ग, कालांश और अवधि। ठीक है, तो हम इसके सामान्य उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या है? पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों का विज्ञान के प्रति चिंतन उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में तर्क शक्ति की क्षमता को विकसित करना। अगला, छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। अगला, छात्रों में अनुसंधानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अब इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं वो देखते हैं। किसी भी टॉपिक के अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे लेसन प्लान में, तो सबके विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक के विशिष्ट उद्देश्य हों, और सबके अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो छात्र रक्त के विषय में विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे, छात्र रक्त के विभिन्न कार्य के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र को रक्त के विभिन्न भागों के विषय में समझ सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र रक्त के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, रक्त कणिकाएं आदि। जैसा कि पहला हम इस शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं, तो प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान के अनुसार हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न हमारे प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न, चोट लगने पर क्या होता है? चोट लगने पर क्या होता है? तो चोट लगने पर रुधिर या खून निकलता है। दूसरा प्रश्न, रुधिर का रंग कैसा होता है? रुधिर का रंग लाल होता है। अगला, रुधिर में क्या क्या पाया जाता है? कोई उत्तर नहीं, क्योंकि समस्यात्मक प्रश्न है, इस पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका इसको क्लैरिफाई करेंगे कथन विधि के माध्यम से। चोट लगने पर शरीर से लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है, जिसे रक्त कहते हैं। छात्रों, आज हम रक्त के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अब इसमें हम, जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी लेसन प्लान को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो टॉपिक है, जिससे उसको आसानी से समझ में आता है। पहला है हमारा रक्त के भाग, पहला पार्ट। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न, रक्त किन किन जंतुओं में पाया जाता है? रक्त मछली, मेंढक, चिड़िया, बकरी, मनुष्य आदि में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? हम आपके हाथ में चार्ट देख रहे हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के रुधिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कोई उत्तर नहीं, क्योंकि छात्रों को नहीं पता है कि रुधिर को हम कितने भागों में बांटते हैं या बांटा गया है, इसलिए छात्रों को इसका व्याख्यान विधि के द्वारा उनको समझाएंगे। मनुष्य का रुधिर दो भागों में विभाजित होता है, पहला रुधिर कणिकाएं, दूसरा प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं क्या हैं? यह रुधिर का 40% भाग बनाती हैं। यह तीन प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। रक्त में RBC ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से
बॉन्ड बनाकर उनका परिवहन करती हैं। WBC अनियमित आकार की होती हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। तो छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्रों ने इस पाठ को कितने अच्छे से सीखा उसका हम मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा करते हैं। तो रुधिर में कणिकाएं कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, दूसरा प्रश्न। रक्त में गैसों के परिवहन का कार्य कौन करता है, उसी का पाठ। इसमें कोई वर्णक नहीं होता है इसलिए ये रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती हैं, इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी केंद्रक विहीन प्लेटनुमा होती हैं। प्लेटलेट्स रुधिर में थक्का बनाने का कार्य करती हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है रक्त का विभाजन, यानी रक्त को हम कैसे विभाजित करेंगे। तो पूर्व ज्ञान के अनुसार हम क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। सब्जी काटते समय हाथ में चाकू लग जाए तो क्या होता है, चाकू लग जाने से हाथ से खून निकलता है। रक्त, अगला प्रश्न, रक्त के कितने वर्ग होते हैं, रक्त के 4 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न, रक्त के वर्गों के विषय में आप क्या जानते हैं। अस्पष्ट उत्तर, छात्रों को इसके बारे में नहीं पता होता है और ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई टॉपिक निकाल, जो हमारा टॉपिक है इसका पार्ट, उसको निकालने की कोशिश की है। और इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक का कथन, जिसको व्याख्यान विधि के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे कि रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसी महत्वपूर्ण कार्य समाज में किए जाते हैं। बिना रुधिर वर्ग मिलाए कभी 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 किसी को रक्त नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा करने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रक्त में एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए एंड बी एंटीजन एंटीबॉडी पर उपस्थित होते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्गों की खोज की थी। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। तो छात्रों ने इस पार्ट का ज्ञान कितने अच्छे से सीखा, तो उसको हम मूल्यांकन से करते हैं प्रश्नों के द्वारा। रुधिर वर्गों की खोज किसने की, और दूसरा प्रश्न, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। अगला पार्ट है हमारा रक्त के कार्य। तो इसमें विकास, पूर्व ज्ञान के अनुसार हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे। रुधिर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, रुधिर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती हैं, रुधिर में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। तो रुधिर का शरीर में क्या कार्य है, ये समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, तो इसलिए छात्र उत्तर देने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये हमने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इसको पूछा। तो उसका नवीन ज्ञान प्रस्तुत के छात्र अध्यापक छात्र अध्यापक ने कथन उसको व्याख्यान विधि के द्वारा उसको किया कि रुधिर के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर में। दूसरा, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, जाल से अवशोषित करता है। तीसरा, शरीर ताप का नियंत्रण एवं नियमन समान रखता है शरीर के सभी भागों में। अगला, थक्का बनाने का कार्य चोट लगने पर करता है। और अगला, पांचवा और लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है। तो इस पाठ का मूल्यांकन छात्रों का मूल्यांकन हम प्रश्न के द्वारा करेंगे। रक्त में कौन कौन सी गैसों का परिवहन होता है, तो श्यामपट्ट कार्य कि उसमें छात्र अध्यापकों द्वारा तीनों शिक्षण बिंदुओं को श्यामपट पर अंकित किया गया और छात्र अध्यापक छात्रों को दिए गए कार्य को
कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी, अनुशासन के प्रति सजग रहेगी और पूर्व दिवस में कार्य निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, रुधिर के 5 कार्य लिखिए जिससे छात्रों में आसानी से इस टॉपिक का ज्ञान उनमें निहित हो सके और छात्रों को इसका वो अपने आगे के जीवन में इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।